अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बंद ना करें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गोल्ड का चार्ट है, ये डेली गोल्ड का चार्ट है। आगे बढ़ने से देख लेते हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं। जितने भी आप टाइमिंग देख रहे हो ये एएम और पीएम के हैं इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। मंडे मॉर्गेज अप्रूवल्स है, मनी सप्लाई है ब्रिटेन का, यूएस का पेंडिंग होम सेल्स है मंथली, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग नंबर है ट्यूजडे, ब्रिटेन का क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स है, यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स हैं, वेडनेसडे आ जाते हैं, वेडनेसडे जापान के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, एडवांस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं, यूएस के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं। थर्सडे आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूएस से, मंथली फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं, फ्राइडे आएगा एक्शन, मंथली आवली अर्निंग्स हैं, नॉन फार्म नंबर्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ऑफ कोर्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं यूएस की तरफ से। बहुत ही क्रूशियल नंबर होंगे फ्राइडे को, ये वाले नंबर तय करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट डाउ जोन्स निफ्टी और गोल्ड सिल्वर कहाँ जाएंगे। क्रूड ऑयल का भी एक गाइडेंस मिलेगा नंबर से। चलिए गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। ये गोल्ड का डेली चार्ट है, 1 2 3 4 5 1470 से लेके 1625 के आसपास की एक गेंस आई है। देखा जाए तो एक बहुत बड़ी गेंस आई, क्या कहते हैं, काफी लो होने के बाद एक अच्छी गेंस आई है। तकरीबन 1650 तक जाने की कोशिश कर रहा था गोल्ड लेकिन नहीं जा पाया, 1625 पे ही सेटल हुआ, ऑलमोस्ट फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास ही सेटल हुआ है। अभी जो मेन ड्राइविंग फैक्टर है वो सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस का फैक्टर है। अभी का अपडेट यह है कि वर्ल्ड में 5 लाख से भी ज्यादा केसेस हैं। मेन सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है इटली, स्पेन और यूएस। इनफैक्ट यूएस के केसेस 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गए हैं, 1500 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं। लास्ट वीक सेनेट और कांग्रेस में $2 ट्रिलियन का जो एक स्टिमुलस पैकेज है वो अप्रूव हो चुका है, जिसके चलते जो $75,000 से कम कमाते हैं उनको $1200 का पेमेंट किया जाएगा, और जो मैरिड कपल्स हैं जो $1.5 लाख से कम कमाते हैं एनुअली उनको $2400 का पेमेंट किया जाएगा वन टाइम। ये पेमेंट से जाहिर है कि मार्केट थोड़ा सा एक रेस्पाइट आया। डाउ जोन्स जो है वो तकरीबन 18,000 से सेटल, 18,000 से रिकवर होके 22,000 पे जाके बंद हुआ। काफी एक अच्छी लिक्विडिटी आई मार्केट में, बट अभी भी जो मेन दिक्कत आ रही है यूएस की तरफ से आ रही है, वहां पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि हो सकता है वो दो तीन वीक बाद जो एक ये पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है यूएस में उसको भी हटा दें। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी केसेस बढ़ रहे हैं और काफी एक्सपर्ट्स ने वॉर्न भी किया है कि लॉकडाउन हटाना कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक जो नंबर्स आते हैं यूएस की तरफ से, जीडीपी जॉब नंबर जो आते हैं वो शायद डिसाइड करेंगे कि लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, जो कि पूरा लॉकडाउन तो ऑफ कोर्स नहीं है बट पार्शियल लॉकडाउन जरूर रखा है यूएस में। एक प्रॉब्लम इस वीक ये आई कि स्पॉट और फ्यूचर के बीच $10-12 का जो स्प्रेड है वो हो गया। उसका मैंने क्लैरिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था कि बहुत सारी जो रिफाइनरीज हैं वो काम बंद कर रही हैं और कॉमेक्स को डिलीवरी देनी होती है गोल्ड की, तो उसी वजह से काफ़ी स्प्रेड आ रखा है।
इनफैक्ट फ्राइडे तक भी 4 से 5 डॉलर का स्प्रेड था, जो नॉर्मली 40 से 50 सेंट का होता है बाई सेल में। काफ़ी बैंक्स ने रेट कट्स किए, फेड ने तो ऑलमोस्ट जीरो ही कर दिया है, आरबीआई की तरफ से भी काफ़ी रेट कट्स आए। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट हम 2008 वाले रिसेशन में जा चुके हैं, बस ये है कि जीडीपी नंबर थोड़े कंफर्म हो जाएंगे आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में, बट हालत जो है वो रिसेशन से भी ज़्यादा ख़राब होगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। रिसेशन में क्या होता है कि बिजनेसेस कम चलते हैं बट लॉकडाउन नहीं रहता है। लॉकडाउन में दिक्कत यह है कि बिजनेसेस भी नहीं चल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है, और प्रॉफिट तो जब बिजनेस नहीं चल रहे हैं तो प्रॉफिट आने की कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर आपको याद हो मेरा दिसंबर या जनवरी का वीडियो, मैंने बोला था कि इस बार हम रिसेशन नहीं डिप्रेशन देखेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली हम डिप्रेशन की तरफ ही जा रहे हैं। चलिए इस वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। गोल्ड में गोल्ड का सपोर्ट रहेगा इस बार $1,578, गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा $1,681। 1681 के ऊपर अगर क्लोज होता है मार्केट तो 1750 और $1,800 तक जा सकता है, और अगर गोल्ड अपना सपोर्ट तोड़ता है 1578 का और नीचे सस्टेन करके क्लोज कर देता है तो 1550 और 1500 जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है, अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। ये वीकली ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे ट्रेंड जो है वो मैं अपने डेली वीडियोज़ में देता हूँ। एक बात और, फैट की जो क्वांटिटी बाइंग शुरू हुई है वो गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, तो ध्यान रखिएगा फैट की क्वांटिटी बाइंग जो है लास्ट टाइम जब शुरू हुई थी वो रिसेशन में 2008 में शुरू हुई थी, वापस उन्होंने 2020 में अनलिमिटेड क्वांटिटी बाइंग शुरू की है जो कि गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। चलिए सिल्वर देखते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर भी काफ़ी अच्छा रिकवर किया, तकरीबन 1150 से लेकर 1450 तक चला गया था, 1440 पे सिल्वर का क्लोजिंग हुआ। सिल्वर एक तरीके से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट के दो दिन में गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया। गोल्ड के मेन आउट परफॉर्मेंस का रीज़न यह है कि एक तो गोल्ड में बहुत ज़्यादा स्प्रेड आ रहा था, और ऊपर से फेड की तरफ से जो क्वांटिटी बाइंग शुरू हुई वो काफ़ी सपोर्टिव रहती है गोल्ड के लिए। अभी फिलहाल देख लेते हैं इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट। सिल्वर का रेजिस्टेंस है इस वीक का $15.60, सिल्वर का सपोर्ट है 1270 का। 1270 के नीचे मार्केट क्लोज होता है और सस्टेन करता है तो $12 और 1150 वापस से जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और 1560 के ऊपर अगर मार्केट गया और क्लोज भी हो गया तो $17 और $18 तक जा सकता है। अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, बट इंट्राडे ट्रेंड याद रखिएगा मैं अपने डेली वीडियोज में ही देता हूँ। वीकली ट्रेंड इज टोटली डिफरेंट, इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वीकली ट्रेंड में आपको वीकली ट्रेंड सिर्फ आप आइडिया के लिए रखो, बाकी इंट्राडे ट्रेंड के लिए आप मेरा डेली वीडियो देख सकते हो, मैं मंडे टू फ्राइडे अपलोड करता हूँ। चलिए क्रूड ऑयल देखते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल में एक थोड़ी सी तेजी आई थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि सऊदी और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है, प्राइस ऑयल वॉर जो चल रहा है वो उसमें मीडिएट करेंगे, बट उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया, ना ही उन्होंने कुछ बोला कि वो ऑयल के प्राइसेस को कम करने के लिए क्या करेंगे, प्राइसेस के क्रैश को कम करने के लिए क्या करेंगे मेरा मतलब है। अभी फिलहाल $21.80 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर मार्केट $20 के नीचे सस्टेन करता है तो बहुत सारे US शेल कंपनीज जो है वो ऑलरेडी बैंक्रप्ट होना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी जो शेल कंपनीज है उन पर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, बिकॉज US में जो ऑयल निकलता है वो इतना वो एक्सपेंसिव रहता है सऊदी के ऑयल के मुकाबले, बिकॉज उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। सऊदी की टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बट दे आर ऑल्सो फेसिंग वेरी गुड प्रेशर ड्यू टू देयर क्रूड ऑयल प्राइसेस। जो सऊदी ने क्रूड ऑयल प्राइस शुरू किया है ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी पर असर आना शुरू होने अभी एक दो क्वार्टर जाएंगे तो उनके इकोनॉमी पे क्वार्टर पे उनकी इकोनॉमी नंबर पे आप देखेंगे कि प्रेशर आना शुरू हो गया है। डबल प्रॉब्लम सऊदी के साथ ये है, जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि हज और जो उमरा है उनका रेवेन्यू उनको नहीं आएगा इस साल मोस्ट प्रोबेबली, ऑलरेडी 1.5 महीने से उमरा बंद पड़ा है तो दे आर नॉट गेटिंग देयर फॉरेक्स रेवेन्यू जो बहुत वाइटल होता है उनकी इकोनॉमी के लिए। नो टूरिस्ट, नो उमरा, नो फॉरेक्स रेवेन्यू, डॉलर रेवेन्यू उनका ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। बाकी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस लो हैं उसकी वजह से और प्रेशर आ रहा है, और
तीसरा रीजन ये है कि लॉकडाउन की वजह से वर्ल्ड में जो इतने लॉकडाउन हैं उसकी वजह से कंजम्पशन भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऑलरेडी इकोनॉमिक जो सिचुएशंस थी उसकी वजह से, लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से क्रूड ऑयल के जो कंजम्पशन था वो कम था, अब लॉकडाउन की वजह से कंजम्पशन ऑलमोस्ट बहुत ही मतलब 80-90% कम हो गया, बिकॉज सारे एयरलाइन ग्राउंडेड हैं, काफ़ी लॉकडाउन हुए हैं। अभी एक प्रॉब्लम क्रूड ऑयल के साथ जल्दी ही कुछ हफ्तों में ये शुरू होने वाली है कि क्रूड ऑयल के रिजर्व जो स्टोरेज होता है, स्टोर करने की जगह होती है, वो ख़त्म होने वाले हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि वर्ल्ड के पास सिर्फ 2-3 वीक ही हैं जिस पेस से क्रूड ऑयल निकल रहा है उस पेस से कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो उसको रखने की जगह नहीं बचेगी तो क्रूड ऑयल पे और प्रेशर आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट की डेप्थ को नापने की कोशिश ना करें। $21 ज़रूर है, अच्छा एट्रैक्टिव प्राइस है, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, बट डेप्थ को नापने की कोशिश ना करें। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं फटाफट। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 1780, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस काफ़ी वाइड है 25-20 के ऊपर क्लोज होता है तो $30 तक जा सकता है, 1780 के नीचे क्लोज हो गया तो $15 और $10 भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ये स्टोरेज वाली बात बताई वो काफ़ी सीरियस है, अगर लॉकडाउन्स और एयरलाइन ग्राउंडेड रहती हैं और स्टोरेज जो है ख़त्म हो जाता है तो फिर क्रूड ऑयल का जो दिक्कत है वो और बढ़ सकती है। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो को लाइक करें बिना बंद ना करें। अब मंडे अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।